शौर्य गाथा उन चार साहिबजादों की, चमकौर की गढ़ी और सरहिंद की दीवारों से आज भी आवाजें आती है। ना सुनी कभी होगी, ना हुई कभी होगी पहले या दोबारा ऐसी कुर्बानी, देश कौम की रक्षा को चार सुतों ने गुरु गोबिंद सिंह जी के पाई शहादत लासानी। चमकौर गढ़ी में जब 40 सिंहों और लाखों मुगलों में जंग हुई, पांच पांच की टुकड़ी योद्धाओं की सिर कफन बांध के संग हुई, इतने शत्रु ढेर किए कि रणभूमि भी लाशें गिनते गिनते तंग हुई, 1,25,000 से खालिस एक लड़ा जब देख रिपू सेना भी तंग हुई, जीत सका ना कोई अजीत सिंह को ना कोई जुझार सा जूझ सका, युद्ध योजना दशम गुरु गोविंद सिंह जी की एक मुगल ना बूझ सका। और वहीं दूसरी ओर सरहिंद की दीवारों में भी बब्बर शेरों से गर्जे फतेह सिंह और सिंह जोरावर 7 साल और 9 साल की उम्र में करने धर्म हेतु वो प्राण न्योछावर, ईंटें पत्थर रखने वाले जल्लादों के भी हाथ पैर थे कांप गए जब वे दोनों साहिबजादों के इतने ऊंचे बुलंद हौसले भांप गए, जिंदा दोनों नींवों में थे चले गए, फिर तोड़ दीवारें गले भी उनके रेत दिए, पर आज ना निधि बच्चों ने उन प्रण पर जो देश कौम के हेत किए, चक्के गुरु का अमृत और शक्ति पाकर अकाल पुरख की अमर हुए चारों साहिबजादे, धन्य धन्य हो छोटी उम्रों में उनके अडिग बहादुर और मजबूत दिरादे। गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी और चार साहिबजादों की लासानी शहादत को